मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस. दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस एक्सर्टेड बाई वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट वेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. एक्चुअली फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो फोर्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच एग्जर्ट करेगा. दोनों ही एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे. कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. ये भी दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन है? मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दो टाइप्स के फोर्स हो गए, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर दोज टाइप ऑफ फोर्सेज एक्सर्टेड बाई वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. यानी ये फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑफ थ्री टाइप्स. ये मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. यानी ये मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारे मसल्स के द्वारा, हमारे बॉडी के मसल्स के द्वारा ये फोर्स प्रोड्यूस होता है, एक्सर्ट होता है. वी यूज़ मस्कुलर फोर्स फॉर आवर वेरियस एक्टिविटीज़. बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम लोग मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं. एनिमल्स लाइक बुलडॉग्स, हॉर्सेस, कैमल्स, डंकीज, एलिफेंट्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क. तो ये सभी एनिमल्स भी बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो मोशन के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं. एग्जाम्पल, ए बॉल rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to force of friction. Force of friction की वजह से ही जो लुढ़कती हुई गेंद होती है जो कि ग्राउंड पर आती है, बॉल जो होती है जो कि ग्राउंड पर गिरती है, तो वो धीरे धीरे slows down हो जाती है. यानी उसका जो स्पीड है, मोशन जो वो धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे वो नीचे आते जाता है. तो ये ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही. सिमिलरली इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसी तरह से अगर साइकिल, चलती हुई साइकिल को भी हम लोग पैडलिंग देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, तो वो स्लोज डाउन हो जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती जाती है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही वो स्टॉप हो जाता है. टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई मैग्नेट्स. मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो मैग्नेट्स के द्वारा एग्जर्ट होता है. एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स. दो मैग्नेट के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या कहलाता है? तो ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है. फोर्स एग्जर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन और स्टील, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. इट मीन्स आयरन और स्टील के बीच जो मैग्नेट के द्वारा जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में नीचे दिखाया गया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी. ये इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक जो चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के प्रति ये फोर्स एग्जर्ट होता है या फिर अनचार्ज बॉडी के तरफ ये फोर्स एग्जर्ट होता है. एग्जाम्पल, ए प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज्ड बाय रविंग विथ पेपर अट्रैक्ट्स ए सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रॉ. एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? तो प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ होता है वो चार्ज्ड हो सकता है अगर उसको हम लोग रब कर देंगे, रविंग करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको घिसेंगे, रगड़ेंगे, तो वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो अर्थ के द्वारा सभी ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट किया जाता है. इट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द अर्थ. ये इस फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींचती है. एग्जाम्पल, एक क्वाइन और पेन फॉल्स डाउन वेन इट स्लिप्स ऑफ आवर हैंड. यदि हमारे हाथों से
पेन या फिर कोई क्वाइल स्लिप हो जाती है तो डायरेक्टली ग्राउंड पर ही गिरती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ए बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स डाउन. अगर एक बॉल को हम लोग ऊपर उछालते हैं तो वो भी ग्राउंड की तरफ ही गिरता है. लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट. अगर लीव्स और फ्रूट्स डिटैच्ड हो जाते हैं प्लांट से तो वो भी ग्राउंड पर ही गिरते हैं. वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स. वहीं पर वाटर भी जो नदियों में जो पानी होता है वो भी नीचे ही गिरती है, डाउनवर्ड्स में ही गिरती है. तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के. सो डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर. थैंक्स.